नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। एक सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, सरकार उसे उसकी मेहनत का मेहनताना भी देती है, लेकिन भविष्य निधि के नाम पर वेतन के एक अंश की कटौती की जाती है और उस कटौती में अगर घोटाला कर दिया जाए तो ये कर्मचारी के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। जी हाँ, और यही खिलवाड़ जारी है उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल के बाद। अब यूपी सड़कों के अंदर यहाँ कर्मचारियों के पीएफ का पैसा डीएचएफएल में लगाया गया है और अब कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की जा रही है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा और कैसे उठ रहा है घोटाले से पर्दा, दिखाएंगे आपको। तो यूपीपीसीएल के बाद अब यूपी सड़कों के कर्मचारियों के पीएफ में घोटाले का मामला सामने आया है और सड़कों के कर्मचारियों का पैसा भी डीएचएफएल में निवेश किए जाने की खबर है, जिसके बाद यूपी सड़कों के अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। अब यूपी सड़कों के कर्मचारियों के डीएचएफएल में फंसे करोड़ों रुपए। सिडको कर्मचारियों का 5,50,00,000 रुपया डीएचएफएल में फंसा। यूपीपीसीएल में पहले ही हो चुका है महाघोटाला। किस किस के पैसे वापस देगी सरकार? उत्तर प्रदेश में लगातार घोटालों का दौर जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पीएफ घोटाले का मामला सामने आने के बाद एक और बड़ी कंपनी में कर्मचारियों की भविष्य निधि से खिलवाड़ किया गया है और उनकी गाड़ी कमाई को दांव पर लगा दिया गया है। और ये घोटाला हुआ है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी सड़कों का। इस कंपनी के कर्मचारियों के पीएफ का पैसा भी डीएचएफएल में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी सड़कों ने कर्मचारियों के 5,50,00,000 रुपए के पीएफ को डिफॉल्टर कंपनी डीएचएफएल में इन्वेस्ट किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा का कहना है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। और हम लोगों को देखना ये होता है हमारे मैनेजमेंट को कि हमारा पैसा सुरक्षित हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध हमारा पैसा लगा है, ना कि हमने कोई उसमें एफडी की है, ना हमने उसमें कोई सावधि जमा की है। हमने डिवेंचर लिए हैं, मतलब इसको कहना चाहिए कि बॉन्ड लिए हैं और वो सिक्योर्ड बॉन्ड लिए हैं। तो हमारा तो अच्छा आज भी हमको नहीं मालूम है, ये बात हमको 2 महीने पहले मालूम हुई थी। हमको अभी तक लगा था 5.5 करोड़ रुपये लगा है और 1.25 करोड़ रुपये हमको वापस भी आ गया ब्याज के उसका। बाकी पैसा हमको मिलना चाहिए था, जब नहीं मिला तो हम लोग पिछले महीने ही इसको हमने तुरंत करस्पॉन्डेंस कराई उस मैनेजमेंट से कह करके और उस पर वहाँ लिखा पड़ी हमारी चल रही है। उन्होंने कहा भी हम पैसा देने में सक्षम है, लेकिन हमको हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है, इस वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा पैसा भी कोई ऐसा गलत नहीं लगा हुआ है और कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सरकार की गाइडलाइन होती है कि उसी के तहत पैसा जमा करना होता है, तो उसमें 2-3-4-5% उनको जमा करना होता है, उसके तहत जमा किया गया। मैं समझता हूँ इसमें घोटाला नहीं है। कर्मचारियों में थोड़ा सा जरूर एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन हमने बोला कि मीटिंग सबको बता दिया है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, मैनेजमेंट ने लगाया है, सरकार की तरफ से एक आग्रह रहता है, एक गाइडलाइन रहती है, उसी के तहत पैसा लगाया गया, तो उसमें कोई घोटाले का रूप नहीं दिया सकता। बताया जा रहा है कि कई विभागों ने कर्मचारियों की कमाई का निवेश डीएचएफएल में किया है, जिसका खुलासा करने से वो डर रहे हैं। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। दरअसल यूपीपीसीएल के बाद यूपी सड़कों के कर्मचारियों की कमाई का पैसा भी डीएचएफएल में निवेश किया गया। इसका खुलासा उस समय हुआ जब यूपी सड़कों के कर्मचारियों ने प्रबंधन से जानकारी मांगी, जिसमें पता चला कि उनके पीएफ में से 5,50,00,000 रुपए का निवेश डीएचएफएल में किया गया है। करीब 450 कर्मचारियों के भविष्य निधि का कुल 5,50,00,000 रुपया डीएचएफएल में निवेश किया गया। ये पूरा मामला मई और अगस्त के साल 2017 का है। उस समय यूपी सड़कों के तत्कालीन प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह थे, उन्हीं के पास एमडी का चार्ज था और समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री थे। कर्मचारियों को उसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने जाँच की मांग शुरू कर दी है। उधर पावर कॉर्पोरेशन में पीएफ की रकम के मनमाने निवेश का खुलासा होने के बाद योगी सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों के पीएफ निवेश से संबंधित हिसाब किताब मांगा है। वहीं यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीएफ घोटाले में जांच की आंच तेज होती जा रही है। इस मामले में फरार चल रहे ब्रोकर अभिनव गुप्ता ने ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। अभिनव गुप्ता गिरफ्तार पीएफ ट्रस्ट के सचिव पीके गुप्ता का बेटा है।
पेशे से शेयर ब्रोकर और रियल एस्टेट कारोबारी अभिनव गुप्ता ने DHFL में निवेश के बदले कमीशन लिया था। इतना ही नहीं, कमीशन के पैसे को उसने रियल एस्टेट के कारोबार में लगाया। इसके लिए उसने दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन को भी पार्टनर बनाया था। वहीं UPPCL में PF घोटाले को लेकर 14 नवंबर को प्रदेश व्यापी रैली का ऐलान किया गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारी के परिवार के लोग इस रैली में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि UPPCL और सिडको के बाद कई और विभाग हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का निवेश DHFL में किया है। DHFL के विवाद में आने के बाद इस कंपनी में निवेश करने वाले विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्मचारियों के भविष्य निधि के निवेश की जांच सही से हो जाए तो कई और बड़े घोटाले उजागर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो भविष्य निधि हो रही है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है कर्मचारियों के साथ। उसके बाद वो अपनी मांगों को लेकर सामने आते हैं, लेकिन फिर वही गोलमोल जवाब दिया जाता है कि जांच की जाएगी और कई बार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पैसा उन तक कब तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी UPPCL का मामला भी ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और मामला सामने आ गया है। हमारे साथ इस पर मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष UP राज्य निगम कर्मचारी महासंघ से। बहुत स्वागत है मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रामनाथ शुक्ला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं AIBOC यूपी से। बहुत स्वागत है रामनाथ जी आपका भी। सबसे पहले मनोज मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को देखकर, क्योंकि अभी UPPCL का मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और मुद्दा सामने आ चुका है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परेशानी और जो खिलवाड़ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ हो रहा है, उनके साथ ही खिलवाड़ हुआ जा रहा है, भले ही फिर आप कार्रवाई जरूर करते रहें। नहीं, UPPCL का जो मामला है वो दूसरा मामला है। ये जो यूपी सिडको मामला निकाला है ये मामले घोटाला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत एक रुपये अगर हमारे पास है, हमारे एम्प्लॉयर के पास, तो उसमें उसको 20-35% पैसा उसको जमा करना है PSU में, पब्लिक सेक्टर में जमा करना है, तो उसके तहत से जमा किया है। और ये दीवान जो फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये बेसिकली AAA कंपनी है, तो वो हमारी गाइडलाइन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अंतर्गत हमको उसमें जमा ही करना है, और उसमें चूँकि रेट ज़्यादा मिलते हैं इसलिए उसमें जमा कर दिया गया। हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया पूरी की गई है जी। तो UPPCL में कोई घोटाला हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन भविष्य निधि का पैसा है तो कर्मचारियों को थोड़ा आशंकित होना या थोड़ा सा उनको अगर परेशान होना स्वाभाविक है। मनोज जी, लेकिन अगर यहाँ पर DHFL में अगर ये निवेश किया गया है, जो बात सामने आ रही है, जो कर्मचारी हैं वो अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पैसा निवेश किया गया है और वही ये कंपनी है जो ऑलरेडी डिफॉल्टर थी और जिस पर लेकर सवाल उठ रहा था बार बार UPPCL में भी, तो फिर अगर इस पर भी निवेश हुआ है तो जाहिर सी बात है मामला तो लटका ही हुआ है। नहीं नहीं, पैसा अभी नहीं हुआ है, पैसा हमारा जो इन्वेस्ट हुआ है वो इधर अभी नहीं हुआ है, ये हमारा 2017 में हुआ था, जून 2017 में, और हमको तब से लगातार हर प्रत्येक वर्ष 51,50,000 रुपए हमको उसका ब्याज मिल रहा था। वो दो बार ब्याज मिला भी, जब अगस्त 2019 में पैसा नहीं आया तो ये मामला संज्ञान में लाया गया, चूँकि अपने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं हम अपने यहाँ के, तो संज्ञान में लाया गया, तो तुरंत ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई और ये हुआ कि अगर अपनी जो उसने कमिटमेंट किया उसको अगर पूरा नहीं कर रहा है तो हमें उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उससे अपनी मांग करनी चाहिए। हमने मांग की, इन द मीन टाइम इधर एक हफ्ते पहले UPPCL मामला निकल के आया तो मालूम हुआ कि घोटाला हो रहा है, ये कंपनी बहुत डिफॉल्टर है, तो हमने मन में मांग की है कि कर्मचारियों को पैसा सुरक्षित किया जाए, और सरकार से हमारी मांग है। मेरा निवेदन इसमें एक और भी है कि ये जो पैसा लग रहा है जो AAA रेटिंग हुई ये किसने किया, कर्मचारी नेताओं ने किया कि कर्मचारियों ने किया, किसने किया? ये तो AAA रेटिंग तो किसी गवर्नमेंट संस्था ने किया जी। पैसा गवर्नमेंट का पैसा PSU में लगाया जाए ये किसने निश्चित किया? ये कैबिनेट निश्चित किया, केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, राजपत्र जारी किया उन्होंने भारत सरकार ने, तो उसके तहत हमको जमा करना है। तो इसलिए इस पर जो कार्रवाई हो रही है बेसिकली, चाहे UPPCL में हो चाहे किसी अन्य निगम में या कहीं और पैसा भी हो, जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई बेसिकली उन पर होनी चाहिए जिन लोगों ने इन कंपनी को बढ़ावा दिया। ये कंपनी तो बढ़ावा इनको मिल गया, ये कंपनी अपने काम करने लगी और आज डूबने लगी, तो ये क्या गारंटी थी कल HDFC हाउसिंग नहीं बैठेगी, PNB हाउसिंग नहीं बैठेगी, महिंद्रा नहीं बैठेगी, कौन नहीं बैठेगा? सभी बैठेंगे। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो सभी जगह स्थिति खराब होती है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये था कि इसमें सरकार को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर उसको मालूम हुआ था कि ये कंपनी AAA थी, उसकी रेटिंग कम हो रही है, तो तत्काल उसको एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सरकार ने ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं,
अब उसमें जो कर्मचारी उसमें है या उसके जो अधिकारी हैं उसमें शामिल हैं उनको दोष ठहराया जा रहा जी। तो ये तो ऊपर लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे लेवल को छूना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, मेरा ये निवेदन था उसमें। बिल्कुल, आपका ये बात बिल्कुल वाजिब है कि यहाँ पर कौन था, कौन से ऐसे लोग थे जिसने इसमें निवेश किया या फिर कौन, इस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ने देखा कि अगर ऐसी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है जहाँ पर ऑलरेडी ये डिफॉल्टर कंपनी है, तो उस पर कौन ऐसा है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामनाथ शुक्ला जी भी बने हुए हैं और मनोज मिश्रा जी भी बने हुए हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपीपीसीएल के कर्मचारियों का अभी भविष्य निधि का पैसा उन्हें नहीं मिला है, उन्हें एक आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन अभी एक और मामला सामने आया है जिसमें यहाँ पर जो कर्मचारी हैं सिडको के, वो कह रहे हैं कि उनका पैसा भी जब उन्होंने यहाँ पर अपने अधिकारियों से जानकारी मांगी तब यहाँ पर सामने आया है कि लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो निवेश है, जिनका पैसा है, वो उन्हें नहीं मिला है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और हमारे साथ मनोज मिश्रा और रामनाथ शुक्ला उपाध्यक्ष हैं AIBOC के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनाथ शुक्ला जी, यहाँ पर सवाल वही उठ रहा है जिस तरीके से अभी ब्रेक पर जाने से पहले मनोज जी कह रहे थे कि सवाल ये है कि कौन, किसने ऐसा निवेश किया, क्यों सरकार अब पहले क्यों नहीं ध्यान देती। अब यहाँ पर भले ही ये संज्ञान लिया गया है सरकार के द्वारा कि जहाँ जहाँ PF के पैसे ऐसे लगे हैं वो उसका हिसाब किताब मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है जब ये निवेश किया जाता है उस दौरान क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, ये नौबत ही क्यों आती है यहाँ तक। जी, जैसा अभी मनोज जी कह रहे थे और आपने भी अपने रिपोर्ट में कहा है जी, कि ये शुरुआत होती है उच्चतम स्तर से, शामिल इसमें राजनेता होते हैं और ये प्रशासनिक जो संस्थाएं होती हैं उन पर दबाव बनाया जाता है नियमों के हवाले से, और ये ब्रोकर घूम रहे होते हैं, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस लगातार इस बात पर आवाज़ उठाते रहे हैं। हाँ। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, बैंक में भी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्प्लॉइज़ के फंड और पेंशन का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन तब ट्रेड यूनियंस को ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव थाट से है, ये नया सोच नहीं सकते हैं, कुछ का ये विरोध करते हैं। वास्तविकता ये है, जो UPPCL में घोटाला सामने आया उसके बाद एक्शन क्या हुआ, एक छोटे से प्यादे, जो छोटे छोटे मोहरे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं, जो राजा रानी से हैं उनको तो आपने छुआ नहीं। किसके समय में ये निर्णय लिया गया था, मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शामिल कोई मंत्री होता है, किस राज्य सरकार, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इतने सालों से क्षेत्रीय दलों का ही जो है वर्चस्व रहा और दुर्भाग्य से इसमें भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे पहुंचा, ये उसका परिणाम है। अभी तो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, सिर्फ 1/9 बाहर है, 8/9 घोटाले बाहर अभियान है जी। ये भ्रष्टाचार की परिणति है, मंत्रियों ने खेल किया, ना सिर्फ फंड में बल्कि भर्तियों में हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई दिया, और इसमें राजनीतिक दलों में बड़ी एकता है, जहां एक नेता फंसने लगता है दूसरे दल उसको बचाने लगते हैं, और इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे लोग हैं इनको बताया जाएगा, इनको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, और जो असली गुनाहगार हैं वो पकड़ में नहीं आएंगे, और यही लोकतंत्र लूट तंत्र में कन्वर्ट होता जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और क्या लगता है सर, आपको लगता है कि अगर ये जो कर्मचारी हो, अगर अब ये UPPCL का मामला नहीं आया होता या फिर वो अपने हक पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो शायद आज ये भी समझ में नहीं आता कर्मचारियों को कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ निवेश किया गया है। एक तरफ तो बात होती है पारदर्शिता की, कि हम हर तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने पैसे की बात करते हैं, भविष्य निधि की बात करते हैं, उनका फ्यूचर का क्या पैसा होगा, जो उनका पूरी गाड़ी कमाई है, इन्वेस्टमेंट है, जब उसके बारे में पूछते हैं, उसके बाद फिर यही गोलमोल जवाब दे दिया जाता है। जी जी, और लगातार ये कहा जाता है कि ये चूंकि श्रमिक संगठन है, इनका तो काम ही है आवाज उठाना। जब से ये NPS का कॉन्सेप्ट आया तब से हमारे अधिकारी कर्मचारियों का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि एक दिन के लिए भी कोई नेता बन जाए, एक साल के लिए नेता बन जाए, उसकी पेंशन पक्की हो जाती है, और यहां 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन का ठिकाना नहीं है, उसको NPS के लिए जाना पड़ेगा। NPS में कौन है, वही प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वही ब्रोकर्स हैं। और अब इधर एक सुधार और किया है इन्होंने कि जो ये फंड लगाया जाएगा ये पूरे साल का रेट नहीं, कि कर्मचारी किस दिन रिटायर हुआ है उस दिन का रेट लिया जाएगा, ये 2 छमाही में एक एक दिन का रेट होगा, और उस दिन आप जानती हैं शेयर मार्केट में अंगड़िया और मंदड़ियों का क्या खेल होता है, उस दिन मंदड़िया हावी हो जाएंगे, शेयर मार्केट गिरा दिया जाएगा, और कर्मचारी को ठगा महसूस करेगा कि उसके रेट के हिसाब से उसको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। ये पूरी विधवट लूट 2004 से शुरू हो चुकी है, हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।
आखिर जब आप एनपीएस का कॉन्सेप्ट लाए तो सिर्फ कर्मचारी जो अपना श्रम करके पेट पालता है उसके लिए क्यों, नेताओं के लिए क्यों नहीं लागू किया गया, मंत्रियों के लिए क्यों नहीं लागू किया गया, और कहीं क्यों नहीं हुआ? लेकिन नहीं, लगातार श्रम की उपेक्षा हो रही है, श्रमिकों का अपमान किया जा रहा है और हमारे ही पैसे को इसी तरह लूट के, मैंने आपसे फिर कहा, पुनः कह रहा हूँ, ये आइसबर्ग है, अभी 1/9 बाहर आया है, 8/9 भी बड़े बड़े लोग बाहर आएंगे और फिर दावे से कहता हूँ कि असली गुनाहगार नहीं पकड़ा जाएगा, चूंकि इसमें छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारियों को बल का बकरा बनाया जाएगा और जिन्होंने मलाई खाई है वो सब राजनीतिक दल एक हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, यहाँ पर जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो यहाँ पर बलि का बकरा बना दिए जाते हैं और ये देखा भी गया है कि एक फौरी तौर पर देखते हैं कि कार्रवाई की जाती है और उसके बाद फिर कैसे मामला ठंडा हो जाता है, चला जाता है, किसी को नहीं पता। मनोज मिश्रा जी, यहाँ पर एक और सवाल, जिस तरीके से रामनाथ जी भी बोल रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर अगर, मैं फिर से मैं दोहराती हूँ कि कर्मचारियों ने अगर आगे पहल नहीं की होती तो शायद ये मामला सामने ही ना आ पाता और ये नहीं पता चल पाता कि हमारा पैसा कहाँ गया। नहीं, कर्मचारी जब आवाज़ उठाता है, अभी जो शुक्ला जी बोल रहे हैं कि एनपीए का जो मामला है, एनपीएस का, वो वास्तव में देखा जाए तो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, कट रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, किसी कर्मचारी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जब हम बात उठाते हैं, जब किसी मंच पर जाकर के कोई बात कहते हैं, किसी टेबल जाकर बात कहते हैं, बात सुनी जाती है। आखिर इस सरकार, इस देश को, इस प्रदेश को चलाने के लिए कौन है? सरकार है। सरकार किसकी है? जनता की है। अब जनता की सरकार, चुनी हुई सरकार, अगर हमारी बात को सुनेगी नहीं, हमारे सुझाव को समझेगी नहीं, जो मन में आएगा करती रहेगी, तो ये घोटाले तो आने ही आने हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे देश के, पूरे प्रदेश की है कि आज इस देश में जो भी घोटाले होते हैं, जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, उसमें सबसे छोटा कर्मचारी पकड़ा जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जबकि इसमें वास्तविकता ये है कि इसमें ऊपर लेवल सारा निर्णय होता है। अगर कुछ हुआ है, UPBCL में इतना पैसा लगा, तो क्या वहाँ एक छोटे कर्मचारी लगा दिया क्या? आज आज निगमों की जो स्थितियां हैं वो क्या कर्मचारियों ने किया क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से लेकर के देश में दो बहुत बड़ी चैलेंज थे। एक तो ये था कि देश की बेरोजगारी कैसे दूर की जाए और दूसरा ये था कि देश का विकास कैसे किया जाए। तब ये पूंजीपति लोग जब बिल्कुल फेल हो गए तब ये निगम खोले गए। आज स्थिति क्या हुई? निगमों ने अपना पूरा काम किया और जब इस स्थिति ला खड़ा कर दिया है तो आज निगमों को बर्बाद करके और उनको छोड़ दिया गया है। ये ब्यूरोक्रेट्स ने और सारे नेताओं ने इनको चूसा है, उसके बाद इन निगमों को आज हम चिल्लाते हैं कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है। आज 10 निगम ऐसे हमारे जो वेतन नहीं पा रहे कर्मचारी, उनके उनके पीएफ के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा। तो ये सरकार चिंता नहीं करे, चिंता करे कौन आखिर? सर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है उनको इतना फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसी में ये पूरी बंदरबांट, ये मिली भगत चल रही है और जिसका खामियाजा यहाँ पर ये कर्मचारी अब भुगत रहे हैं, जिनको पता ही नहीं रहता है उनके पेंशन के बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं रहती और जब पता भी चलता है तो बस वो आवाज़ ही उठा सकते हैं और कब उनके पास उनका वो पैसा लौटेगा, इसके इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता है, जो हम देख रहे हैं UPBCL में। हाँ, जब कोई निर्णय होता है तो क्या निर्णय करने के पहले पूछते हैं क्या भाई? ये तो सरकार को पूछना चाहिए ना, अगर कर्मचारी प्रतिनिधि है उससे पहले पूछना चाहिए भाई आपका पैसा है लगा। अभी एनपीएस लागू कर दिया तो उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? किसी कर्मचारी पूछ रहे हैं क्या? अपने मर्जी लगा रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्रिपल ए रेटिंग करने के लिए क्या हमने किया क्या? हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे ऐसे कह लीजिए कि पॉलीथीन बंद हो गई, पॉलीथीन बंद की गई, पॉलीथीन बंद करने क्या फैक्ट्री बनती है? पॉलीथीन फैक्ट्री चालू है लेकिन पॉलीथीन बंद कर दी गई। जो एक मूंगफली बेचने वाला 200 रुपये की मूंगफली लेकर बैठता है और 10 रुपये की पॉलीथीन ले आता है, उसको दो कोड़े मार के उसे 100 रुपये उसे ले जा रहे हैं। तो पॉलीथीन बनाना बंद नहीं करेंगे लेकिन पॉलीथीन यूज नहीं की जाए इसके लिए छोटे कर्मचारी को, छोटे व्यक्ति को, छोटे जनता को प्रदान करना शुरू कर देंगे। आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं कि आदमी को इस बात का को काम करने का मौका मिले, उसको गलत काम करने का मौका मिले? आप पहले बढ़ावा देते हैं। अभी आप देखिए BSNL है, BSNL प्राइवेट में जा रहा है, क्यों जा रहा है प्राइवेट में? BSNL ने पूरे देश में तहलका मचाया है और अब जियो ले आए हैं। अब जियो के बाद अभी जियो घाटा, जियो में कुछ घोटाला हो जाएगा तो उसमें आम पब्लिक फंसेगी, ये क्या कर रहा है? ये बेसिक बात, इस पे जाना पड़ेगा सरकार को, सरकार के नेताओं को इसको देखना पड़ेगा कि ये गड़बड़ हो कहाँ रहा है। इसमें नीचे छोटे कर्मचारी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ तो बड़े नेताओं के द्वारा किया जाए, शुक्ला जी बता रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें जो है शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़े जो लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार को लेकर, अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें हम किसी भी हर कार्रवाई करेंगे लेकिन किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, तो इस पर सरकार को ध्यान देना ही होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामनाथ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ही होगा कि इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है सरकार की। हालांकि सरकार ने कहा है ऐसे सारे हिसाब किताब बटोरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जब ये हो रहा होता है तब कहाँ रहता है प्रशासन, कौन है इसके पीछे, क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े इस पर नाम आ रहे हैं सामने, अभी भी यूपी पीसीएल में पूरी तरीके से वो कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे देखना ही होगा कि क्या और भी खुलासे होते हैं, और भी कई घोटाले सामने आते हैं। फिलहाल अब देखना है कि सिडको के जो कर्मचारी हैं क्या उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।